गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 बुद्धि और भाग्य का पेज नंबर 27 का आधा भाग पढ़ लिया था। अब आज हम उसके आगे का भाग पढ़ते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था कि वो क्या करता है, जो सौदागर रहता है वो गडरिये को सम्राट बनाने की सोचता है और राजकुमारी से उसकी शादी करवाने के लिए सोचता है। और क्या करता है, वो सोचता है कि मैं यहाँ पर ज़मीन खरीद लूँगा, यहीं पर महल बनवा लूँगा और ये राजा बन जाएगा और मैं मंत्री। और वो ऐसा सोचकर उसको वो खुश हो जाता है। तो भाग भी उसको देखकर बहुत खुश होता है कि चलो मैं अब जीत जाऊंगा। फिर क्या होता है कि वो किससे कहता है, गडरिये से, कि मैं यहाँ पे कुछ दिन रहूँगा। तो वो गडरिया कहता है बहुत अच्छी बात है, किंतु मेरी भेड़ बकरियों को कोई नुकसान मत पहुँचाना। तो वो कहता है कि भेड़ बकरियों की चिंता तुम मत करो, क्योंकि तुम तो सम्राट बनने वाले हो, मैं तुमको सम्राट बनाना चाहता हूँ। तो गडरिया कहता है कि ये कौन सी बला होती है सम्राट। तो वो कहता है कि यानी तुम्हारे जो काम है वो सब व्यक्ति करेंगे और तुम कोई भी काम नहीं करोगे, तुम तो राजकुमारी के साथ विवाह मैं करवा दूंगा। तो वो कहता है विवाह, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या क्या बोल रहे हो। तो यह कहते कहते वो बहुत मूर्खतापूर्वक हंस देता है। और अचानक सौदागर क्या देखता है कि जो वो सिल्लियों में टिक के आराम कर रहा था, वो क्या गड़रिया वो क्या हो जाती सोने की। तो ये सौदागर क्या सोचता है, देखिए अब आगे पढ़ते हम। सोचने लगा, ओ यह आदमी कितना भाग्य का बली है, इसे सम्राट बनाना कुछ कठिन काम नहीं, यह सम्राट बना बनाया है। क्या सोचता वो, इसके पास तो यानी जहाँ बैठता है वही चीज़ सोने की हो जाती, क्योंकि उसका साथ भाग्य दे रहा था। और ये सोने के जूते पहनता है रत्न जड़े, तो ये इसको तो सम्राट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो बना बनाया है। अब क्या बोला वो, भाग्य ने जीते हुए वीर की तरह अभिमान से बुद्धि की तरफ देखा। बुद्धि ने मजाक में ही उत्तर दिया, कोई बात नहीं अभी आगे बढ़ो। क्या है, वो भाग्य देखते खुश हो गया और वो किसकी ओर देखा, बुद्धि की ओर। पर बुद्धि भी क्या बोली मजाक में कि हाँ कोई बात नहीं आगे बढ़ते जाओ। सौदागर ने अपना सोचा हुआ काम शुरू कर दिया, है ना। सोना बेचकर जमीन खरीदी, वो जो सिल्लियाँ सोने की हो गई थी उसको बेच के क्या खरीदी, जमीन, महल और किला बनवाया। ठीक है, महल बनवाया और राजा का किला बनवा लिया। सेना भर्ती की, सेना भी लगवा दी, राजा के पास सेना होती ना तो सेना भी लगवा दी। वहाँ के जागीरदारों को मुँह मांगा रुपया देकर कुछ जागीरें भी खरीद ली, है ना। जो जमीन लेने वाले रहते बेचने वाले, उनसे क्या खरीद ली, जमीन भी जागीरदारों से। अब गड़रिये के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े बनवाए, उसके लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े बनवा दिए। सजा हुआ गड़रिया शक्ल सूरत से तो अब राजा लग रहा था, पर वास्तव में उसे राजा का अर्थ भी नहीं पता था। वो दिख तो रहा था राजा, मैंने तैयार कर दिया उसको राजा के कपड़े पहना के, पर उसको राजा का अर्थ भी नहीं मालूम था। धीरे धीरे सौदागर ने उसकी भेड़ बकरियाँ भी इधर उधर कर दी, भेड़ बकरियाँ भी उसने क्या कर दी, यहाँ वहाँ उसकी कर दी। अब क्या हुआ कि जब गड़रिये ने पूछा तो कह दिया रात में खुलकर ना जाने कहाँ चली गई। उसने बोला मेरे को नहीं पता रात को कहाँ चली गई। अब देखिए गड़रिया सबके सामने ही बहुत रोया, चीखा चिल्लाया, सौदागर खींच उठा, यानी वो बहुत रोया गया और बहुत चीखा चिल्लाया, परंतु सौदागर गुस्से से खींच उठा।
बोला, अजीब मूर्ख से पाला पड़ा है। तो कैसा मूर्ख व्यक्ति है, बुद्धि तो इसे छू तक नहीं गई। बोला, बस इसके पास भाग जरूर है पर बुद्धि तो इसके पास है ही नहीं। वह गडरिए से कड़क कर बोला, खबरदार जो आगे से किसी के सामने चीखे चिल्लाए। उसने क्या बोला गडरिए से कि अब जोर से चिल्ला के बोला कि खबरदार, ने अब तुम कोई के आगे चीखे या चिल्लाए, जो बात कहनी हो मेरे कान में आकर कहो, है ना। उसने क्या कहा, जो बात कहनी हो मेरे कान में कहना और किसी के सामने चीखना चिल्लाना नहीं। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और देखते हैं कि भाग्य गडरिया का साथ कैसे देता है और फिर बुद्धि क्या करती है। तो टेक केयर।